सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राहुल तिवारी एंड यू आर सी माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल। दोस्तों, हमारे इंडिया में कुछ ना कुछ यहाँ पे चीज़ें जो है वो इंटरनेट पे वायरल होती रहती हैं। पिछले मंथ यहाँ पे JCB वायरल चल रही थी और अब यहाँ पे एक ऐसा एप्लीकेशन जो है वो ट्रेंड में आया है। हालांकि ये पुराना एप्लीकेशन है लेकिन ये यहाँ पे वायरल चल रहा है आजकल, बिल्कुल यहाँ पे ट्रेंड में है। लेकिन बहुत ही जो लोग भी इस एप्लीकेशन को यहाँ पे यूज कर रहे हैं उनको नहीं पता है इस एप्लीकेशन के बारे में कि इस एप्लीकेशन से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे खतरा है उनके लिए। यार बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादरचोद के बच्चे। दोस्तों, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये एप्लीकेशन काम क्या करती है। इस एप्लीकेशन का नाम है फेस ऐप और ये क्या करती है, आपकी किसी भी फोटो को, जो कि आप अगर यंग हैं या फिर अगर चाइल्ड हैं, तो आपकी फोटो को ये क्या करती है, आपके 60 साल 70 साल बाद आपके बुढ़ापे की फोटो में यहाँ पे कन्वर्ट करके आपको दिखाती है। तो लोग क्या कर रहे हैं, बुढ़ापे की फोटो अपने सोशल मीडिया पे यहाँ पोस्ट कर रहे हैं और काफ़ी सारे लोग मतलब सेलिब्रिटी वगैरह भी यहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए ये जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे ट्रेंड में चल रही है। मैं बात करता हूँ इसके प्रॉब्लम्स की, तो प्रॉब्लम यहाँ पे काफ़ी सारी हैं क्योंकि इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपके फ़ोन की जितनी भी यहाँ पे डाटा है, जितनी भी आपके फ़ोन में कोई भी इन्फॉर्मेशन है, वो सारा का सारा इस एप्लीकेशन के पास ऑटोमेटिक से ही चला जाएगा। कि अगर मैं इसके यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को अगर मैं बताऊँ आपको, तो वहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि हम आपके फ़ोन के डाटा को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले ये एप्लीकेशन आपके फ़ोन को कन्वर्ट कैसे करती है, सबसे पहले ये आपके फोटो को अपलोड करती है अपने सर्वर पे और देन वहाँ पे अपने सर्वर पे अपलोड करने के बाद ये वहाँ पे कुछ फिल्टर्स वगैरह, उसका जो एल्गोरिथम है वो आपके फोटो को चेंज करके फिर आपके फ़ोन में यहाँ पे दिखाता है। कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ रही हैं, हालांकि एप्लीकेशन ट्रेंड में है अभी भी। इन सारी चीज़ों के बारे में लोगों को पता चला तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे ट्वीट करके भी बता रहे हैं कि मेरी जो प्राइवेसी है वो यहाँ पे लीक हो गई, मेरे जो डाटा है वो यहाँ पे हैक हो गया या फिर कहीं और ट्रांसफ़र हो गया। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हालांकि ये जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन तो हैक करती हैं, ये बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, चल जैसा कि इसके टर्म एंड कंडीशन में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर आप यूज करते हैं इन एप्लीकेशन को, तो यार एप्लीकेशन अगर आपको अच्छा लगता है तो आप रखिए, अगर नहीं लगता है तो आपकी प्राइवेसी लीक कर रही है, आप उसको हटा सकते हैं। हालांकि प्राइवेसी तो बहुत सारी एप्लीकेशन यहाँ पे लीक कर रहे हैं, जैसे अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो उससे कहीं ज़्यादा अब आपकी जो प्राइवेसी है वो लीक कर रही है, आपके जो डाटा को, आपकी जो डाटा है उसको यहाँ पे लीक करें। तो ऐसी कोई भी एप्लीकेशन नहीं है जिस पे हम एकदम आँख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं, ये जो एप्लीकेशन है वो हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं करेगी। तो अगर आप भी यहाँ पे यूज़ करते हैं इस एप्लीकेशन को, तो आप जाकर ये आसानी से यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं या फिर अनइंस्टॉल कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, डिपेंड है। तो दोस्तों, यही था कुछ इस वीडियो में, आशा करता हूँ थोड़ी जानकारी आपको समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर कर दीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।